असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के लिए भी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण अंचलों की 3 करोड़ महिलाओं को अब तक 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया जा चुका है। राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में महिलाओं को समान रूप से भागीदार बनाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। उद्योग और कारपोरेट क्षेत्र के सहयोग से महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही सरकारी खरीद में ऐसे उद्यमों को वरीयता दी जाएगी जहां कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी निर्धारित स्तर से अधिक हो। देश में हर बहन बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु 3 तलाक और निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक तथा बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें। माननीय सदस्यगण, नए भारत के निर्माण में हमारी युवा पीढ़ी की प्रभावी भागीदारी होनी ही चाहिए। बीते 5 वर्षों में युवाओं के कौशल विकास से लेकर इन्हें स्टार्टअप एवं स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद देने और उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त सीटें उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। साथ ही स्कॉलरशिप की राशि में भी 25% की वृद्धि की गई है। सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इससे उन्हें नियुक्ति तथा शिक्षा के क्षेत्र में और अवसर प्राप्त हो सकेंगे। समाज के हर वर्ग का युवा अपने सपने पूरे कर सके, इसके लिए समय पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रभाव व्यापक स्तर पर महसूस किया गया है। इस योजना के तहत स्वरोजगार के लिए लगभग 19 करोड़ ऋण दिए गए हैं। इस योजना का विस्तार करते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उद्यमियों के लिए बिना गारंटी 50 लाख रुपए तक के ऋण की योजना भी लाई जाएगी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाले क्षेत्रों में समुचित नीतियों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। आज भारत दुनिया के सबसे अधिक स्टार्टअप वाले देशों में शामिल हो गया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सरकार नियमों को और भी सरल बना रही है। इस अभियान में और तेजी लाई जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक देश में 50,000 स्टार्टअप स्थापित हो सके। उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस प्रयास को और सशक्त बनाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्तावित फाउंडेशन केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों, विज्ञान प्रयोगशालाओं, उच्च शिक्षण संस्थानों और औद्योगिक संस्थानों के बीच सेतु का काम करेगा। विश्व के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थानों में भारत के अनेक संस्थान अपना स्थान बना सकें, इसके लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता तथा वित्तीय योगदान के जरिए प्रेरित किया जा रहा है। मेरी सरकार देश के हायर एजुकेशन सिस्टम में सीटों की संख्या को वर्ष 2024 तक 1.5 गुना करने के लिए प्रयासरत है। इस पहल से युवाओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में 2 करोड़ अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। माननीय सदस्यगण, बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए उचित अवसर एवं वातावरण तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके लिए प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। स्कूली स्तर पर ही बच्चों में टेक्नोलॉजी के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से देश भर के लगभग 9,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना का कार्य तेजी से प्रगति पर है। इसी प्रकार 102 विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों में अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। विश्व स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रभावशाली प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ता है।
साथ ही बच्चों और युवाओं में खेलकूद के प्रति रुचि बढ़ती है। इससे स्वास्थ्य को जीवन में प्राथमिकता देने की संस्कृति को भी बल मिलता है। भारत को विश्व स्तर की खेल शक्ति बनाने के लिए देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान और उनका पारदर्शी चयन महत्वपूर्ण है। राज्य और जिला स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम को व्यापक रूप देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 2500 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब आने वाले हर साल में यह सुविधा 2500 नए खिलाड़ियों को दी जाएगी। देश के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के साथ ही उसका विस्तार भी किया जाएगा। यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सुविधाएं खिलाड़ियों को उपलब्ध हों, इसके लिए नई व्यवस्था विकसित की जा रही है। हमारा प्रयास है कि खेल जगत में उच्च स्थान प्राप्त करके हमारे खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाएं। माननीय सदस्यगण, देशवासियों का जीवन बेहतर बनाने में आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। महंगाई दर कम है, फिस्कल डेफिसिट नियंत्रण में है और विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ रहा है तथा मेक इन इंडिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब भारत GDP की दृष्टि से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। विकास दर को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए रिफॉर्म्स की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक भारत $5 trillion की इकोनॉमी बने। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए जल्द ही नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में वर्ष 2014 में भारत 142वें स्थान पर था। पिछले 5 वर्षों में 65 रैंक ऊपर आकर हम 77वें स्थान पर पहुंच गए। अब विश्व के शीर्ष 50 देशों की सूची में आना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए राज्यों के साथ मिलकर नियमों को सरल बनाने की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। इस कड़ी में कंपनी कानून में भी आवश्यक बदलाव किए गए हैं। आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में टैक्स व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टैक्स व्यवस्था में निरंतर सुधार के साथ साथ सरलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करने का फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को भी आसान और प्रभावी बनाया जा रहा है। GST के लागू होने से एक देश एक टैक्स एक बाजार की सोच साकार हुई है। GST को और सरल बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने उनके लिए नई पेंशन योजना शुरू की है। अब जल्द ही राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और खुदरा कारोबार में बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति भी बनाई जाएगी। GST के तहत रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध कराया जाएगा। MSME सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। रोजगार सृजन में इस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। छोटे उद्यमियों के व्यापार में कैश फ्लो बना रहे, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। MSME सेक्टर से जुड़े उद्यमियों को ऋण लेने में दिक्कत ना हो, इसके लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज का दायरा 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का काम किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, सुशासन सुनिश्चित करने से भ्रष्टाचार कम होता है, नागरिकों का आत्मसम्मान बढ़ता है और वे अपनी प्रतिभा एवं क्षमता का पूरा उपयोग कर पाते हैं। मेरी सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध
जीरो टॉलरेंस की अपनी कड़ी नीति को और व्यापक तथा प्रभावी बनाएगी। सार्वजनिक जीवन और सरकारी सेवाओं से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का अभियान और तेज किया जाएगा। इसके लिए मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर और अधिक बल दिया जाएगा। साथ ही ह्यूमन इंटरफेस को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा। लोकपाल की नियुक्ति से भी पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। काले धन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले दो वर्ष में 4,25,000 निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया और 3,50,000 संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। आर्थिक अपराध करके भाग जाने वालों पर नियंत्रण करने में फ्यूजिटिव एंड इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अब हमें 146 देशों से जानकारी प्राप्त हो रही है, जिसमें स्विट्जरलैंड भी शामिल है। इनमें से 80 देश ऐसे हैं जिनसे हमारा ऑटोमेटिक एक्सचेंज करने का भी समझौता हुआ है। जिन लोगों ने विदेश में काला धन इकट्ठा किया है, अब हमें उन सब की जानकारी प्राप्त हो रही है। रियल एस्टेट सेक्टर में काले धन के लेन देन को रोकने और ग्राहकों के हित की रक्षा में रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट यानी रेरा का प्रभाव दिखाई दे रहा है। इससे मध्यम वर्ग के परिवारों को बहुत राहत मिल रही है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड देश के सबसे बड़े और सबसे प्रभावी आर्थिक सुधारों में से एक है। इस कोड के अमल में आने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निपटारा हुआ है। इस कोड ने बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया हुआ कर्ज न चुकाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आज 400 से अधिक योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रहा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान 7,30,000 करोड़ रुपए DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं। DBT की वजह से अब तक 1,41,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। इतना ही नहीं, लगभग 8 करोड़ गलत लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं। आने वाले समय में DBT का और विस्तार किया जाएगा। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि वे भी ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं में DBT का इस्तेमाल करें।